खासकर 12th क्लास के बच्चे कई बार मैसेज करके या फ़ोन करके पूछते हैं कि सर हम 12th क्लास में हैं, IIT की तैयारी कर रहे हैं, तो सर हमारा 11th उतना अच्छे से नहीं हो पाया, तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से चैप्टर 11th के हैं, जो बेसिक्स हमें अगर मालूम हो तो हम 12th के चैप्टर्स में अटके नहीं और 12th तो हमारा अच्छा हो जाए। तो देखो मैं इसमें ये कहता हूँ कि अगर 11th थोड़ा बिगड़ा हुआ है और तो 11th में कुछ पोर्शन तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि 12th में वो चाहिए तो होगा ही, जिसमें बेसिक थर्मोडायनेमिक्स हो गया, आयनिक इक्विलिब्रियम हो गया, मोल कॉन्सेप्ट की कैलकुलेशंस हो गई। हालांकि मोल की कैलकुलेशंस तो बच्चे इतने कर चुके होते हैं कि उनका आइडिया होता है, बट आयनिक और थर्मो बोलते थोड़ा सा उनका मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। बट फिर भी खासकर आयनिक में मैं ये कहूँगा, बच्चे कई बार बोलते भी हैं कि सर मोहित त्यागी वाला जो चैनल है उस पर जाकर के हमने आयनिक पढ़ा, तो सर वो तो बहुत डिटेल में है, उसमें तो बहुत टाइम भी लगेगा सर, तो हमें कुछ बेसिक सा बता दो जिससे हमारा काम बन जाए बाकी के चैप्टर्स, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हुआ 12th में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अलावा केमिकल काइनेटिक्स हुआ, लिक्विड सॉल्यूशन हुआ, उनमें काम बन जाए। तो मैं उनको एक अल्टरनेट बताता हूँ, हमारा ही चैनल है एक कॉम्पिटिशन नीट के नाम से, उसमें आयनिक इक्विलिब्रियम मैंने रिकॉर्ड कर डाला हुआ है नीट के लिए, और उसमें हमने आड़ू फाड़ू टाइप की चीज़ें नहीं ली हैं, मतलब जैसे एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस होती हैं या अनअप्रॉक्सीमेटेड केसेस होते हैं जिसमें क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशंस बनती हैं, वो सब केसेस नहीं लिए हैं, सिंपल सिंपल जो नीट में आता है वो सारी रिक्वायरमेंट हमने वहाँ पर पढ़ाई हैं। तो जेई मेन के बच्चों के लिए खासकर, और खासकर वो बच्चे जो एडवांस की भी तैयारी कर रहे हैं बट वो 12th क्लास के चैप्टर्स में जो आयनिक का यूज़ है उसकी वजह से अटकना नहीं चाहते, तो वो मेरे ख्याल से ये वाला सोर्स यूज़ कर सकते हैं। कौन सा? कॉम्पिटिशन नीट से आयनिक पढ़ने वाला। मेरे ख्याल से मैंने अपनी बात कह दी। ऑल द बेस्ट।